बिना चावल भिगोए एक टिक से सॉफ्ट जालीदार डोसा, ना ही चिपकेगा ना टूटेगा फूटेगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगिता की कुकिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, सॉफ्ट मुलायम डोसा बनाने के लिए कुछ स्पेशल टिप्स वीडियो में मैंने शेयर किए हैं, एंड तक जरूर देखिएगा और बनाकर एंजॉय कीजिएगा, कमेंट जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले लेंगे एक कप चावल, जो घर में नॉर्मल चावल होते हैं वही ले लेने हैं फ्रेंड्स, और उनको दो से तीन बार अच्छी तरह धो देना है जब तक कि पानी साफ ना हो जाए, क्योंकि इस पानी में कई बार बहुत डस्ट और पॉलिशिंग वगैरह होती है जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर पानी हमारा साफ हो गया है। अब हम एक ग्राइंडर लेंगे और उसके अंदर ये जो हमने चावल साफ किए हैं ये हमें डाल देने हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम इनको बिना भिगोए बना रहे हैं, तो इनको थोड़ी सी देर अच्छे तरीके से आपको साफ करना है। साथ में हम लेंगे यहाँ पर सूजी, तो दो से तीन चम्मच 1/4 कप सूजी ली है, और यहाँ पर आप दही का यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास दही नहीं था तो मैंने ये जो तड़का छाछ आती है, कोई भी नॉर्मल मट्ठा होता है आप वो ले सकते हैं, बस थोड़ा खट्टा होना चाहिए जिससे कि फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो फटाफट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली थी, उसी से नाप के मैंने जो है 2 कप छाछ के लिए है। इसको अच्छी तरीके से आपको ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, बारीक पेस्ट बना लेना है कुछ इस तरीके से दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रीमी हो गया है और सॉफ्ट हो गया है, और यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स बैटर जो है हमारा स्मूथ हो गया है। तो बस यही एकदम परफेक्ट बैटर इस साइड से आपको बना लेना है इस तरीके का। इसमें बिल्कुल भी आपको बड़े बड़े पीसेस नहीं छोड़ने हैं सूजी के या चावल के, तो वो फिर बाद में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इनको सॉफ्ट स्मूथ ऐसा आपको पेस्ट बनाना है, पर फ्रेंड आप देख रहे होंगे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने उसी कप से नाप कर 1 कप और छाछ लिया है। अब फ्रेंड्स इसको हम मिक्स करके देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा और छाछ मिलाएंगे। तो ये हम एट ए टाइम करेंगे बैटर की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ कुछ तो थोड़ा सा ही हुआ है, लेकिन इतना थिक जो है हम नहीं रखते हैं बैटर डोसे का, तो इसमें मैंने जो है थोड़ा सा 1/2 कप और यहाँ पर छाछ मिलाई है। तो जिस कप से सूजी ली थी हमने उसी कप का 3.5 कप हमने छाछ मिलाया है। ये वाली जो आप मेजरमेंट रखेंगे तो इससे आपका डोसा जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब देखिए, या तो आप इसको ओवरनाइट रख सकते हो तो ठीक है, वरना इसको धूप में रख दीजिए फर्मेंटेशन होने के लिए 4 से 5 घंटे। उसके बाद देखिए बैटर कुछ इस तरीके से हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर कुछ मैंने लेमन्स की बूंदे मिला दी हैं नींबू की, उससे डोसा काफ़ी जालीदार बनने में हेल्प मिलती है। अब एक आपको तवा लेना है, उस पर 2-3 बूंदे ऑयल की डालनी है और टिश्यू पेपर से एक बार क्लीन कर देना है, जिससे कि उसके जो लेयर्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे और डोसा हमारा चिपकेगा भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1 चमचा मैंने ले लिया है, आप चाहे तो कटोरी कप कुछ भी ले सकते हैं, और देखिए इस तरीके से आपको सेंटर में उसको रखना है, डालना है, और ऐसे थोड़ा थोड़ा सा एजी से कॉर्नर से सेट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए डालते ही इसमें बबल्स आने लगे, जालियाँ आने लगी, तो अब इसको जो हम ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे, ताकि हमारा नाश्ता ऊपर से भी पक जाए। इसको हम एक साइड से ही पकाएंगे, दोनों साइड से नहीं पकाएंगे। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये पक गया, इसका कलर भी फ्रेंड्स चेंज हो गया है, और गर्मा गर्म हमारा ये जो डोसा है इसको आप चाहे नाश्ते में यूज़ कीजिए, चाहे ब्रेकफास्ट में यूज़ कीजिए। हल्का सा यहाँ पर बटर या ऑयल भी लगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो चलिए ये वाला हमारा जो ब्रेकफास्ट है ये हमने रेडी कर लिया है। अब आपको इसको पीछे की साइड से थोड़ा सा उठाना है ऐसे पुश करके, और यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट जालीदार बना हुआ है, लग रहा है ना एकदम यमी, और खाने का तुरंत मन कर रहा है फ्रेंड्स। तो बस बहुत सिंपल सी टिप्स हैं, ये सब यूज़ करके आप भी इसको घर में बना सकते हैं। सामने ही मैं आपको दिखा भी रही हूँ जूम करके कि ये कितना परफेक्ट बना है। अब इसको चलिए एक प्लेट में डाल लेते हैं, और बाद में फ्रेंड्स ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे 3 से 4 डोसे जो है तैयार कर लेते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होता। ऑयल और साथ में फ्रेंड्स इसमें ऑयल भी देखिए कितना कम यूज़ कर रहे हैं, हम 1 से 2 बूंद हार्डली यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये वाला डोसा भी फैला लेना, और सारे के सारे डोसे में देखिए हमारी जाली पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा फूल रहे हैं, ये सॉफ्ट बन रहे हैं। तो बस फ्रेंड ऐसे सारे डोसे बनाकर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये वाला डोसा मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मुलायम नरम बना हुआ है, हाथों में देखिए कैसे फोल्ड हो रहा है, एकदम रुई की तरह मुंह में घुल जाएगा फ्रेंड्स। आप इसको टिफ़िन वगैरह में भी ऐसे फोल्ड करके बच्चों की रख सकते हैं, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, यहाँ पे आलू की सब्जी बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं, बच्चे तो बहुत प्यार से खाएंगे ऐसी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा भी रही हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से, इसकी जाली भी देखिए पीछे की साइड से भी कितनी अच्छी आई है,
और ये प्रॉपर पक भी चुका है। तो ऐसी चीज़ें मैं चैनल पर शेयर करती हूँ, प्लीज़ मुझे अपना प्यार एंड सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और इस तरीके से देखिए, एक बाइट भी मैं तोड़कर दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और नरम मुलायम बना है। तो देरी किस बात की फ्रेंड्स, बनाइए और एन्जॉय कीजिए और अपने कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।